उत्तर बिहार में आई भीषण बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। कई लोगों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत भी हो चुकी है। बात जब मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ की हो तो बूढ़ी गंडक, बागमती, मनुष्यमारा, बाया नदी, नून नदी और कराने नदी की उफान और इसकी तबाही लोगों के जुबान पर होती है। ऐसा ही मामला जिले के औराई प्रखंड में बागमती नदी का है। 21 अगस्त को इस प्रखंड के बेनीपुर गांव में बागमती के उस पार मवेशियों के लिए चारा लाने नाव से जा रहे करीब आधा दर्जन से अधिक लोग नाव समेत बागमती में डूब गए। बताया जाता है कि इसमें कई महिलाएं भी शामिल थी। नाव में सवार होकर सभी आगे बढ़े ही थे कि पुरवा हवा की तेज झोंकों ने नाव को पलट दिया। हालांकि कई लोग जिन्हें तैरना आता था वे बाद में निकल गए, लेकिन करीब 5 लोग अब भी लापता हैं। सूचना पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों ने इनमें से एक व्यक्ति के शव को खोज निकाला है, जिसकी पहचान कृष्णनंदन पंडित की 60 वर्षीय पत्नी शांति देवी के रूप में हुई है। बाद में अधिकारियों के निर्देश पर NDRF की टीम भी पहुंच गई। अधिकारियों की माने तो कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।